एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, अपने इस चैनल का नाम है दया मैस एन एस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड है और जो भी टॉपिक्स है वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ आज के इस पार्ट वन के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए गए, उनको क्वेश्चन को लगाने का क्या तरीका है, इसके पीछे कौन सी प्रॉपर्टीज काम कर रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम्प्लीटली देखें अगर आप कुछ सीखना और समझना चाहते हैं। तो फिलहाल तो एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, तो आप उसे कम्प्लीटली देखें ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट जो अधूरा है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में ये देखो कि क्या दिया गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स, यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कि इक्वेशंस दिए गए हैं, बट इस इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि 7 का पावर 2x + 3 = 1 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है कि भाई x इसमें है क्या। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे आप प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हो। तो एक प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी होगी कि जब a का पावर n इक्वल टू a का पावर n होता है, देन m की वैल्यू जो होती है वो n के बराबर होगी। यानी सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको ये देखना होगा कि भाई दोनों में बेस सेम होना चाहिए। अगर इक्वल का दोनों में बेस बराबर है, पावर भले डिफरेंट है लेकिन अगर इक्वल का साइन है तो उस केस में क्या होगा, पावर एन की वैल्यू पावर एन के बराबर होगी। एक प्रॉपर्टी तो आपको यहां दिमाग में रखना होगा। दूसरी प्रॉपर्टी यह दिमाग में रखनी होगी कि जब भी किसी बेस का पावर जीरो होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो चूंकि यहाँ बेस 7 है बट यहां तो है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जहां पे 1 दिया गया है उसको हम 7 का पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो 7 का पावर 0 लिख देने का मतलब यह है कि इसका जो वैल्यू जो होगा वो 1 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पहली जो प्रॉपर्टी है उसका हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दोनों साइड में बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो पावर का कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज बेस इज सेम सो 2x + 3 = 0। अब +3 को जब भैया ट्रांसफर करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 2x = -3। इसके बीच में जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन इनटू का है, यानी मल्टीप्लिकेशन का है, तो जब इसको रिमूव करोगे तो x की वैल्यू जो होगी वो -3/2 आपको मिल जाएगी। तो ये जो था पहले इक्वेशन का रिजल्ट था। अब देखो कि दूसरे क्वेश्चन में लगाने का तरीका क्या है, इसे कैसे लगाया जाए। आप लोग की शिकायत रहती है कि भाई मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, मैथमेटिक्स कमजोर कुछ नहीं होता है, आपको बस ये समझ लो कि जहां चाह वहां राह। तो अगर आपने ठान लिया कुछ सीखना और समझने का तो आप जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 2 का पावर x + 1 दिया गया है और यहां दिया गया है 4 का पावर x - 3। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 4 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 4 को भी जो है ऐसे फॉर्मेट में लिखो कि वो भी 2 के बेस के फॉर्म में आ जाए। तो आपको देखो क्या लिख सकते हो कि 2 का पावर x + 1 हो गया, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर लिखने का मतलब है कि इसका रिजल्ट जो है 4 के ही बराबर है। अब x - 3 है। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी समझनी होगी, वो क्या है, क्योंकि अब यहाँ डिफरेंट प्रॉपर्टी काम करने वाली है। कौन सी? देखो जब a का पावर m होता है और इसके बाहर पावर होल पावर n लगाओ तो उसमें क्या होता है कि दोनों के पावर का मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ पे पावर m है और यहाँ n है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, बेस 2 रहेगा लेकिन इस 2 का मल्टीप्लाई पहले x से करना होगा, 2x मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो कि 2 चूंकि एक पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव इंटू माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और 2 3 = 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों साइडों के बेस हो गए सेम, तो यहाँ पे बिकॉज बेस इज सेम और आपको केवल x की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, तो यहाँ पे x + 1 = 2x - 6 लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखो कि ये वेरिएबल वाला पोर्शन है, कांस्टेंट वाला पोर्शन है, जिन्हें सेपरेट देख सकते हो। तो इसीलिए तुम्हें -6 को इधर लाना होगा और इस x को इधर लाओ, तो -6 इधर आएगा, 6 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x - x। यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, चूंकि यहाँ कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं तो 1 मान लीजिए, और 2x में से 1x का सेपरेशन करो तो x मिल जाएगा
और यहाँ मिला 6 + 1 = 7। तो जब दूसरे इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है 7 आपको मिलेगी। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो इसी के बेस पर है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क रहेगा, इसको आप इवेल्युएट करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आंसर आपका क्या आया। मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अब देखो यहां दिया गया 4 × 2x दिया गया है और यहां दिया गया 1/32 दिया गया है। तो आपको यह समझना होगा कि भाई इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, 32 को और क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो जब करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा रिजल्ट इस तरीके से, रिजल्ट 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 2, 1 × 2। यानी आप देखो कि यहाँ 2 जो कितनी बार आए हैं, तो आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 times 2 यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो कि 32 = 2×5 इस तरीके से। यानी 2 का मल्टीप्लाई अगर 5 बार कर भी देंगे, यानी 5 टाइम्स करते भी हैं, तो जो भी रिजल्ट होगा जो होगा वो 32 के ही बराबर होगा। तो आपने क्या किया कि जहां पे 32 था आपने लिखा 2×5, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका बेस तो आपने 2 कर दिया, अब 4 को क्या करोगे। तो 4 को भी हमको क्या ले सकते हैं, 2² ले सकते हैं, लेकिन बाहर पावर क्या है 2x लगा हुआ है और ये हो गया 1/2 × 5। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि जब यहां पे बेस का पावर 2 है और पूरे का पावर 2x है, तो दोनों के पावरों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 2×4x = अब यहां पे देखो कि ये जो चीज जो रिजल्ट है न्यूमरेटर के रिजल्ट पे है। अब डिनोमेटर यहां रिजल्ट है 2×5 है क्या, तो अभी यहां बेस सेम नहीं है। भले आपको लगता होगा कि दोनों में तो बेस सेम है, लेकिन ये देखो कि ये चूंकि यह वैल्यू जो है ये न्यूमरेटर का पार्ट है और यहाँ डिनोमेटर का पार्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग ही करना होगा। अगर ये न्यूमरेटर का पार्ट है तो ये भी न्यूमरेटर का पार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पे एक रूल आपको और समझना होगा कि अगर a² - 1 है, तो जब a का रेसिप्रोकल लिखोगे तो 1/a हो जाएगा और जो पावर जो होगा वो चला जाएगा प्लस में। जान समझिएगा, अगर देखो किसी बेस का पावर जब माइनस में हो, तो अगर चाहते हो कि बेस का पावर पॉजिटिव चला जाए, तो इस केस में आपको उसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। जब रेसिप्रोकल लिखोगे तो 1/a मिलेगा, और जैसे ही 1/a लिखोगे तो जो भी इसका पावर माइनस में होगा वो प्लस में सीधे कन्वर्ट होगा। लेकिन ध्यान रखना बेस नहीं निगेटिव होगा, जो भी चेंजिंग होगी वो सिर्फ पावर में चेंजिंग होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। अगर कहीं ऐसे हो जाए कि 1/a² - 1 दिया गया हो, ठीक है, तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1/a का रेसिप्रोकल क्या होगा, a, और चूंकि पावर जो है यहाँ माइनस में दिया गया है तो सीधे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूंकि जैसे ही इसको रेसिप्रोकल लिखोगे 1/2 का रेसिप्रोकल, तो वो मिलेगा 2, लेकिन जो पावर है वो चला जाएगा माइनस में। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये भी ध्यान समझो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि दोनों का बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, इसीलिए ये सारा प्रोसेस अप्लाई किया गया है। अब यहां देखो दोनों का बेस सेम हो गया तो हम सी पावर का कंपेयर कर लेंगे। हेंस पावर का जब कंपेयर करोगे तो वैल्यू मिलेगी 4x = -5 और x की वैल्यू मिल जाएगी -5/4। तो ये ध्यान रखो कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो जब हटाओगे तो डिवाइडेशन में ये चला जाएगा। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन 5 वाला मैं आपको समझा रहा हूं, उसे भी आप देखिए और समझें कि कैसे इसको लगाया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन 6 वाला मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 256 है, इसको भी जो है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके दोनों का बेस बराबर करके पावर का कंपेयर करिएगा। फिलहाल 5th वाला मैं आपको समझा दे रहा हूं, 5th वाले को कैसे करना है। यहाँ पे 4×(x-1) दिया गया है (0.5)² दिया गया 3−2x = 1/8 × x दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करिए कि यहां देखो कि 1/8 को क्या लिख सकते हो, तो 1/8 को अगर तुम देखो तो तुम 1/2 का होल क्यूब लिख सकते हो।
तो जब तुम 1/8 को 1/2 का होल क्यूब लिखोगे तो इसका भी पावर एक्स लगा हुआ है। अब यहाँ देखो 4 को अगर तुमने लिखा है 2 स्क्वायर तो यहाँ पावर मिलेगा एक्स माइनस वन। अब 0.5 का मतलब क्या हुआ? अब देखो 0.5 को अगर तुम लिखते हो, यहाँ बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले देखो 5/10 लिख सकते हो, सॉल्व करोगे तो 5 × 5, 5 × 10 मिल जाएगा। तो जहां 0.5 दिख रहा है इसकी जगह पर डाल दो 1/2 और पावर है 3 − 2x। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो 2 दिया गया है। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं अभी, जैसे देख रहे हो कि इसका बेस 2 है और यहां बेस 1/2 है, ये दोनों चीज सेम नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो जैसे रेसिप्रोकल लिखोगे तो पावर चेंज होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखो क्या रेट आ रहा है। इसको जब करोगे तो पहले 2 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा। अब देखो इस 2 का नहीं हो रहा है, पावर का मल्टीप्लाई पावर से करना है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई से करोगे तो 2x मिल जाएगा इस तरीके से, और 2 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -2 मिल जाएगा। और जैसे ही इसका तुम रेसिप्रोकल लिखोगे तो इसके जो पावर है इन पावर के साइन बदलेंगे, यानी जो 3 जो दिख रहा है वो -3 में कन्वर्ट होगा और -2x +2x में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू। इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले मैं इसका प्रोसेस बता रहा हूं, इसको पहले पावर का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 का पावर तुम्हें 3x मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही इसका रेसिप्रोकल लिखोगे 1/2 का तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, लेकिन जो जैसे ही लिखोगे तो पावर जाएगा माइनस में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर वही चीज में सबका बेस एक जैसा करने के लिए, क्योंकि इसका बेस 2 था, यहाँ 1/2 था और यहाँ 1/2 था, तो सबका बेस 2 करने के लिए सारा प्रोसेस अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो लग रही है ये कौन सी प्रॉपर्टी भाई? भाई a का पावर m इंटू a का पावर n करेंगे तो a का पावर m प्लस n होता है, यानी जब सेम बेस होगा पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा क्या? 2x -2 -3 +2x और यहाँ मिला 2 का पावर -3x। अब इसको सॉल्व कर लो तुम्हें क्या मिलेगा? 2 का पावर 4x -5 मिल जाएगा, क्योंकि 2x और 2x 4x हो गया, -2 − 3 − 5 हो गया इक्वल टू 2 का पावर -3x। अब यहाँ भी देखो चूंकि दोनों का बेस सेम हो चुका है तो केवल तुम्हें पावर का बस कंपैरिजन करना है, पावर का सिर्फ। तो यहां पे क्या मिला देख लो, 4x -5 इज इक्वल टू -3x, और यहां जब सॉल्व करोगे तो ये चीज आएगी तो क्या होगा? 4x +3x इज इक्वल टू 5, चूंकि माइनस 5 मुझे भेजा गया है, 7x इज इक्वल टू 5 मिला और x की वैल्यू मिली 5/7। तो आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत और अभ्यास करते रहिए।